नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी जानकारियां देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय और कारगर तरीका है वजन कम करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है रुक रुक कर उपवास यानी कि फास्टिंग करना। इसमें आपको कोई खास डाइट नहीं फॉलो करनी होती, बल्कि आपको अपने खाने के समय को नियंत्रित करना होता है। इसमें आपको एक निश्चित समय तक कुछ नहीं खाना होता और फिर एक निश्चित समय तक आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने शरीर को एक ब्रेक देते हैं, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और आपका वजन भी कम होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई फायदे हैं, जैसे कि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता है, जो कि डायबिटीज को रोकने में मदद करता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो कि हृदय रोगों से बचाव करता है। इससे आपका भूख पर कंट्रोल बनता है, जो कि आपको अतिरिक्त और एक्स्ट्रा खाना खाने से बचाता है। इसमें आपका शरीर आपके फैट को ऊर्जा में बदलता है और उसे इस्तेमाल करता है, जिससे आपका वजन जल्दी से कम होता है। इससे आपका शरीर अपने कोशिकाओं को रिजुवेनेट करता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इससे आपका दिमाग भी तेज होता है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं, जो कि आपकी जरूरत और आराम के अनुसार आप चुन सकते हैं। जैसे कि जो ज़्यादा चलता है वो है 16/8 मेथड। इसमें आपको 16 घंटे का उपवास रखना होता है और 8 घंटे के दौरान अपना भोजन करना होता है। आप अपना उपवास रात को सोने से पहले शुरू कर सकते हैं और फिर अगले दिन दोपहर तक कुछ नहीं खाना है। इसके बाद आपको अपना नाश्ता, लंच और डिनर करना है। ये एक आसान और सबसे लोकप्रिय तरीका है। अगला तरीका है 5/2 मेथड। इसमें आपको सप्ताह के 5 दिन नॉर्मल खाना खाना होता है और 2 दिन कम कैलोरी वाला खाना खाना होता है। आप अपने 2 दिन को चुन सकते हैं, जैसे कि सोमवार और गुरुवार या मंगलवार और शुक्रवार। इन 2 दिनों में आपको सिर्फ 500 कैलोरी महिलाओं के लिए है और 600 कैलोरी पुरुषों के लिए है, इन कैलोरीज का ही सेवन करना होता है। ये एक थोड़ा कठिन लेकिन असरदार तरीका है। अगला है ऑल्टरनेट डे मेथड। इसमें आपको एक दिन नॉर्मल खाना खाना होता है और दूसरे दिन कम कैलोरी वाला खाना खाना होता है। आप इसे बारी बारी से करते हैं, जैसे कि सोमवार को नॉर्मल, मंगलवार को कम कैलोरी, बुधवार को नॉर्मल और ऐसे ही आगे। इन कम कैलोरी वाले दिनों में आपको 25% से कम कैलोरी लेनी होती है, जो कि लगभग 500 से 700 कैलोरी होती है। लेकिन ये एक बहुत ही कठिन लेकिन ज़्यादा असरदार तरीका है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर या कोई और। आपको अपने खाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना है, जैसे कि जंक फूड, मिठाई, तला हुआ खाना आदि से दूर रहना है। आपको अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है और नींबू पानी, नारियल पानी आदि पीना है। आपको अपने शरीर को आराम देना है और अच्छी नींद लेनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है और व्यायाम, योग, मेडिटेशन आदि करते रहना है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अद्भुत और लाभकारी तरीका है अपने वजन को कम करने का और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का। आप भी इसे अपनाएं और अपने अनुभव हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।